मम्मी ना होवे तेरे यार का। ये मैं आपको बताता हूं, एक हाथ से एंगल उठाना, उसके बाद में चैन को बाहर निकालना। चैनसेट डालूंगा, अगर वो देखना तो वो भी चेक करो। ये रहा अपना नया चैनसेट। बाकी जो कि अपने ये स्टैप होल्डर वाले बोल्ट थे, इन्हें भी अपने अब टाइट कर देते हैं, क्योंकि अब इनका टाइट करने का टाइम आ गया है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये चेक करो, ये रही अपनी ड्यूक 250, ठीक है। एंड ये इसकी मॉडल की बात करें तो ये है मॉडल 20। चैनसेट को खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसा कि ये आपको आगे वाला कवर दिख रहा है, इसे खोलना है। इसे खोलने के लिए एक ये बोल्ट दिया हुआ है, तीन यहाँ पे दिया हुआ है। इस बोल्ट को खोलने के बाद में ये कवर आ जाएगा अपना बाहर। एंड जो कि ये आर्म वाला आपको दिख रहा है बोल्ट 10 नंबर का, इसे खोलना है। फिर आर्म को थोड़ा हिलाते हुए इसे निकाल लेना बाहर, फिर ये निकल जाएगा। फिर जो कि अपना स्टैप होल्डर है चैन को निकालने के लिए, जो कि स्टैप होल्डर है, इसके तीन जो ये बोल्ट दिख रहे हैं आपको, इसे खोलना है। एंड इसे खोलने के बाद में जैसा कि आपको ये चैन कवर दिख रहा है, इसका जो कि ये बोल्ट दिख रहा है अंदर की साइड में, इसे खोलना है स्टैप होल्डर खोलने के बाद में, ठीक है। फिर एक आपको आगे से दिख रहा होगा यहाँ पे, ये खोलना है। उसके बाद में अपने को जो अपने 6 नंबर के इसके बोल्ट हो गए अपने फेंडर के, अप साइड वाले फेंडर के, इसे खोलना है। फिर एक अंदर की साइड आकर एक इसे खोलना है, बाकी व्हील को नीचे कर देना है। व्हील को कैसे नीचे करना है ये तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता ही होगा। इतना कुछ इसमें खोलने के लिए बोला, इसमें इतना कुछ खोलने के लिए मैंने इसलिए बताया था क्योंकि KTM की जितनी भी बाइकें आती है, जितनी भी सुपर हाईएस्ट बाइकें आती है, उसमें ज्वाइंट नहीं आता चैन में। जैसा कि आपको पता होगा छोटी गाड़ियां जो भी आती हैं उनमें सभी में ज्वाइंट आता है। बीच से क्या होता है, ज्यादा इतना कुछ खोलना नहीं पड़ता है, ज्वाइंट के हटाओ चैन पूरी बाहर, ठीक है। बट इसमें ज्वाइंट नहीं आता, इसी के लिए इतना कुछ खोलना पड़ेगा, तो ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कर लेना, बाकी तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई बताता है। यूज़ करने के बाद में जो कि 10 नंबर का बोल्ट है, इसे यहाँ पे प्रेस कर देना, पास कर देना, ठीक है। तो ये है, और बाकी जो कि व्हील ठीक से बाद में लग जाए उसके लिए जो कि इसके डिस्प्लेट है ना, उसे भी बाहर निकाल देना। उस डिस्प्लेट निकालने के जैसे ये पिन दिख रही है ना, दोनों पिन को निकालना है। एंड जो कि ये वाली पिन दिख रही है, इसे प्रेस करना उस साइड की तरफ में, और जो कि डिस्प्लेट है वो आ जाएंगे अपने बाहर। एंड जो कि एक्सल है बोल्ट, तो खोल ही दिया एक्सल को, अब मैं ठोक के जो कि एक्सल है ये निकाल दूंगा, ठीक है। जो कि अपना व्हील है फिर हो जाएगा नीचे, और बाकी जो बोल्ट थे वो तो मैंने अभी आपको बताया। ओह यार यार, ये कितनी ऑसम है यार। जैसे कि बाइक चेक करो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से ये बोल्ट खोलना है, ठीक है। तो वो सभी मैंने खोल दिया, एंड अपने पास में बंदा नहीं था जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने खुद से अभी खोल दिया और आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था ये बोल्ट खोलना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एंड आगे से जैसा मैंने अभी आपको खोल के दिखाया है, तो आगे से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कितना डस्ट और कितनी मिट्टी और कितना भयंकर गंदा हो रखा है। तो फिलहाल में जब भी आप चैन सेट चेंज करो, तो जो कि यहाँ की डस्ट है मिट्टी है, उसे एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन कर देना, क्योंकि हर बार ये यहाँ पर क्लीनिंग नहीं होती है, सर्विस वर्विस पर बंदा नहीं करता, तो अच्छी तरीके आप यहाँ पे क्लीनिंग कर देना। और बाकी जो कि यहाँ पे चेक करो कितनी मिट्टी हो रखी है ना, मतलब जो चैन की गंदगी है वो यहाँ पे जमा हो रखी है, ठीक है। तो फिलहाल में अभी इन सब चीजों को क्लीन करना है। एंड जो कि आगे से जैसा कि आपको चैन दिख रही है वो मैंने पूरी बाहर कर दिया। एंड जो कि ये चेक करो, यहाँ से जो कि अपना व्हील था वो भी नीचे कर दिया, बोल्ट थे वो भी नीचे कर दिया, एक्सल भी निकाल दिया, एंड आगे से भी खोल दिया। तो जैसा कि ये चेक करो, यहाँ ये चेक करो, आ गया ना प्रॉपर वहाँ। उसके बाद में जो ये 8 नंबर के वोल्ट जो मैंने बोले,
से एंगल उठाना है, उसके बाद में चैन को बाहर निकालना है। तो जैसा कि ये दिख रही है चैन आपको पूरी बाहर हो रही है, एंड उसके बाद में जैसे ये अपना बीच में स्ट्रेट आ गया, तो स्ट्रेट आ गया तो उसको भी करना क्या है, थोड़ी इस तरीके से उठाना है। These doubts like the playing cards close to my chest. You have your chain, Baba. Close to my chest. बोल्ड सभी बोल दिया, एंड बोलने के बाद में जैसा कि बाहर की तरफ को टेस्ट करना है, और जो कि हो गया अपना इस पॉकेट बाहर। तो जैसा कि आपको ये दिख रही है चैन भी बाहर हो गई, एंड जो भी इंटीरियर इस पॉकेट आता है वो भी हो गया बाहर, एंड जो कि ये फ्रंट वाला ये भी हो गया बाहर। मैंने चैन सेट खोला था तो ओल्ड वाला चैन सेट आपने देखा, चैन सेट डालूंगा अगर वो देखना तो वो भी चेक करो, ये रहा अपना नया चैन सेट। एंड अगर नए वाले चैन सेट का अगर पार्ट नंबर चाहिए तो आप नोट कर सकते हो, वैसे ये पूरा कंप्लीट नहीं है, हमारे पास में तीनों अलग अलग है, एंड अलग अलग का भी पार्ट आप नोट कर पार्ट नंबर नोट कर सकते हो। तो जो कि अपना ये जो चैन का पार्ट नंबर है JG14001, ये रहा इसका पार्ट नंबर। एंड ये पड़ेगी कितने की, तो ये पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 1795 रुपए की, यानी 1800 रुपए की। और बाकी बात करें रियर इस पॉकेट की, तो ये पड़ेगा आपको 922 रुपए का। अगर इसका पार्ट नंबर चाहिए तो आप पार्ट नंबर भी नोट कर सकते हो, इसका पार्ट नंबर है JG14002, ये रहा इसका पार्ट नंबर। और जो कि अपना फ्रंट इस पॉकेट आता है जिसमें ज़्यादा अक्सर प्रॉब्लम आती है, जो अक्सर डैमेज हो जाता है, उसका पार्ट नंबर अगर आपको चाहिए तो ये भी आप नोट कर सकते हो, JY551240, ये रहा इसका पार्ट नंबर। एंड ये पड़ेगा कितना, तो ये पड़ेगा अपना 270 रुपए का, ठीक है। भाई लोगों ये चेक करो, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लीनिंग यानी कि सफाई, तो सफाई एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से कर दी गई है, क्योंकि जो भी काम करो मन से और काफ़ी अच्छी तरीके से करो, क्योंकि क्या होता है ना कि कस्टमर भले से आपके पास हो या ना हो, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से ही आपको काम करना चाहिए। और जो कि इसमें से गंदगी निकली है वो चेक करो यहाँ पे, कितने जो भी ये लिखा हुआ है बाहर की साइड में आने के लिए, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये रहा अपना इस पॉकेट, एंड जो भी ये इस पॉकेट कितने टीका है, ये है अपनी 14 टीका और ये था 46 टीका। लगाने की बात करें तो इस पॉकेट को सिंपली इस तरीके से पकड़ा, एंड चैन के अंदर इस तरीके से ग्रो किया, ग्रो करने के बाद में जो भी ऐसा पुश कर देना, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, तो ये नॉर्मली आराम से ही चला जाता है। धीरा हो
वक्त भी बताया था कौन कौन सा बोल्ड कैसे बोलना है, तो ध्यान रखना। और बाकी अभी तो मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ ये भी किस तरीके से अटैच करना, बाकी दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। एक तो बोल्ड को खोलना बताया था, एक को किस तरीके से बोलना ये भी मैं बता रहा हूँ। साथ में कोई लड़का नहीं है इसीलिए बड़ा परफेक्ट तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ मैं, बाकी कोशिश फुल कर रहा हूँ मैं कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। ये और नोट करना, अगर आप अकेले हो तो अकेले में रियर जो कि अपना व्हील है उसे फिट कैसे करें, एक्सल को कैसे ठोके, ये चीज नोट करना आप, ठीक है। तो मैं अभी फिट कर रहा हूँ, बाकी आप चेक करो। क्या करते हैं रैंप पे जब जाते हैं ये तुम्हारा भाई रैंप पे, फिर क्या करते हैं ना इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, बाकी इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने कर दिया ऊपर, अब एक्सल दोनों हाथ को लगे हुए, एक्सल कैसे ठोकूंगा, उसमें मैंने नीचे से पैर लगा दिया, ठीक है। पैर लगा दिया, फिर अपना जो भी एक्सेल है इसे उठाया, एक्सेल को इस तरीके से ठोक दिया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ठोकना, बाकी आप उतरने के बाद में इस हाथ से व्हील को ऊपर की तरफ करके के बाद में फिट हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। बाकी सेम आप इस साइड से कर देते हैं, चलाना है पहले अपनों को, इसे लगाने के बाद में जो कि अभी अपनों को प्रॉपर नहीं करना है, नॉर्मल करना है। ये रहे अपने नए वाले डिस्पेट, डिस्पेट का अगर आपको पार्ट नंबर चाहिए ये भी नोट कर सकते हो, DK1510-85 और ये इसका प्राइस है 260 रुपये। अपने चैन को टाइट कर लेना, अब ये होता है अलाइनमेंट, एकदम लाइनअप होना चाहिए, यानी कि जितना जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही वहाँ होना चाहिए। होल्डर वाले बोल्ड पे इन्हें भी अपने आप टाइट कर देते हैं, क्योंकि अब इनका टाइट करने का टाइम आ गया है। तो फिलहाल मैं अपना चैन सेट डल चुका, मैंने फुल कोशिश की थी कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल के साथ बता सकूं कि चैन सेट कैसे डाला जाता है। बाकी मैंने आपको बता तो दिया इस तरीके से खोलना और ये बोल्ट खोलने हैं, इस तरीके से आपको डालना है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने चैन सेट डालना आपको बताया है। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिलहाल में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। अभी मैं आपको और नोट कराता हूँ, चेक करो यहाँ पे ये टाइम, चेक करो टाइम कितना हो रहा है अपना, 14:15, यानी कि 2:15 हो गए हैं। तुम्हारा भाई अभी भी लंच पे नहीं गया, तो मैं जल्दी से लंच पे जाता हूँ।